आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक का एक कोर कंसेप्ट है और पोजीशन आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट के साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट में रेगुलरली पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डीयू या डीबीई की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं राजीव फ्रॉम myetutors आइसोमेरिज्म सीरीज के इस सेकेंड एपिसोड में डीयू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबीई मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कंसेप्ट के को इलैबोरेट करते हुए पोजीशन आइसोमर्स कैसे डिड्यूस करेंगे उसकी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। हेलो गाइस, मैं रोनी। सो क्या मैं केमिस्ट्री प्रूफ करने के लिए आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूं? यस रोनी, यू आर वेलकम। स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? डीबी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, इट इज सी प्लस वन माइनस होल ब्रैकेट में एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई टू, और यहां पे सी जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एच इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्मूला, वैसे ही एक्स जो है नंबर ऑफ हैलोजन्स इन द फॉर्मूला, और एन जो हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द फॉर्मूला। यदि डीबीई की वैल्यू जीरो आएगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। यदि डीबी की वैल्यू वन आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा या उसके साथ डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। यदि डीबी की वैल्यू टू आएगी तो यहां पे ये हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है या दो रिंग्स हो सकते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी जब डीबी की वैल्यू टू आएगी, और जब डीबी की वैल्यू फोर आएगी तो उसमें हम बोलेंगे कि इट इज यूजुअली अ बेंजीन रिंग जिसमें तीन डबल बॉन्ड्स होंगे और एक रिंग होगा। तो इस तरह से हम डीबी की वैल्यू को यूज करके किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसका एक रफ आइडिया ले सकते हैं। सर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दोगे? श्योर रॉनी। तो अब हम देखते हैं कि इसको डीबी की वैल्यू एक्चुअली यूज कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो अब इसमें देखिए कार्बन जो है हमारे पास सिक्स है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्स हो गए प्लस वन हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन 14 है, तो हाइड्रोजन हमने 14 सब्स्टिट्यूट कर दिए क्योंकि इसमें कोई हैलोजन नहीं है तो हैलोजन की वैल्यू जीरो हो गई, और इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है तो नाइट्रोजन की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो अब इसको सॉल्व करें, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया डीबी जीरो आ गया। अब जीरो का जैसे हमने देखा था कि क्या है कि जीरो में हमने कहा था कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें अब हम देखें इस फॉर्मूला में तो ये कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है और इसके साथ 14 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा हेक्सेन, या इस तरह से इसका जो कार्बन स्केलेटन होगा वो बेसिकली सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करेंगे। जब डीबी जीरो आ रहा है तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब वैसे ही एक सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं C4H8O। अब C4H8O में हमारे पास कार्बन जो है फोर है, उसके साथ प्लस वन हो जाएगा एज पर फॉर्मूला, हाइड्रोजन हमारे पास एट है और यहाँ पे हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम डायरेक्टली वैसे ही यूज कर लेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। मींस यहाँ पे अब डीबी 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसके हिसाब से ये जो हो जाएगा ब्यूटेनल हो गया। वैसे ही हमने ये रिंग स्ट्रक्चर बनाया है विच इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, तो इस तरीके से ये एक रिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो जाएगा इसमें और एक चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है C7H7Cl। अब इसमें यदि हम इसकी डीबी कैलकुलेट करें तो डीबी आ जाएगी क्योंकि कार्बन एटम 7 है, तो 7 प्लस 1 एज पर फॉर्मूला 8 टोटल हमारे पास आ गया इसका, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 7 है और इसके साथ एक हेलोजन है तो हेलोजन का 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है तो कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, और इसको हम सॉल्व करें तो 8 माइनस 4 तो हमारे पास 4 आ गया। अब डीबी 4 है तो हमने पहले ही उसमें मेंशन किया था कि बेंजीन रिंग होना चाहिए जिसमें तीन ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए और उसके साथ एक रिंग होना चाहिए,
तो ये तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो सिक्स कार्बन एटम्स इस रिंग स्ट्रक्चर में इंक्लूड हो गए, और उसके साथ एक कार्बन एटम ये हो गया, तो टोटल सेवन कार्बन एटम्स हो गए, फाइव हाइड्रोजन यहाँ पे है, और उसके साथ दो सेवन हाइड्रोजन और सीएल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ये आ जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड जो हो जाएगा इसका, इससे स्ट्रक्चर डिड्यूस हो सकता है। तो डीबी को यूज करके हम बेसिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन आइसोमर यदि हमने बनाने हैं तो उसमें किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से पोजीशन आइसोमर्स क्रिएट करें। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि हम आइसोमेरिज्म इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम चेन आइसोमेरिज्म कर चुके हैं, और यदि आपको चेन आइसोमेरिज्म को रिफ्रेश करना है तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी कि जब पोजीशन चेंज होगी डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, सबस्टिट्यूएंट्स की, और बहुत सारी बुक्स में फंक्शनल ग्रुप भी लिखा होता है, पर सारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। जैसे अल्कोहल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम, अमीन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेंशन नहीं किया। तो मेजॉरिटी केसेस में हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ऑल्टर कर रहे हैं। तो जैसे, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ख्याल रखनी है वो ये है कि पेरेंट चेन कभी भी चेंज नहीं करे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि C7H16 सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें C7H16, इसमें डीबी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और यदि जीरो है तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो उसके हिसाब से मैंने ये दो कंपाउंड बनाए हैं, एक जो है इसमें जो पेरेंट चेन है हेक्सेन है, इसमें भी पेरेंट चेन हेक्सेन है, तो दोनों में पेरेंट चेन सेम है। और अब पेरेंट चेन सेम है तो हम इसको जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2-methylhexane, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है इसीलिए 3-methylhexane हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो कंपाउंड हो जाएंगे आपस में आइसोमर्स हो जाएंगे। तो पेरेंट चेन जब सेम होगी तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो आइसोमर्स है। यदि दो की पेरेंट चेन वेरी कर जा रही है तो उसको हम आइसोमर्स नहीं कहेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्टर, सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्टर नहीं करेंगे। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में नेमिंग जो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से स्टार्ट होगी, तो उसमें जो है पेरेंट चेन चेंज कर जाएगी। तो पेरेंट चेन चेंज कर जाएगी, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, पर उसका स्केलेटन चेंज करता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शनल को नहीं इंक्लूड किया। सर, एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्लेन कर दोगे? क्वेश्चन रॉनी, तो अब हम एक फॉर्मूला वर्कआउट करके देखते हैं कि किस तरह से पोजीशन आइसोमर्स निकाले जा सकते हैं। और मैं फॉर्मूला जो वर्कआउट कर रहा हूँ उसका डीबीई जीरो लेकर के कर रहा हूँ। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है C7H16, इसका डीबीई हम यदि कैलकुलेट करें तो वो जीरो आएगा। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के साथ हम ये सेवन कार्बन एटम्स की चेन बना लेंगे जिससे 16 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे और ये हेप्टेन बन जाएगा, तो फर्स्ट आइसोमर जो हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोई भी साइड वाला कार्बन एटम, चाहे ये साइड वाला कार्बन एटम या कोई भी टर्मिनल कार्बन एटम को ट्रंकेट कर लेंगे, और ये टर्मिनल कार्बन एटम जो मैंने ट्रंकेट किया उसको मैंने फर्स्ट कार्बन एटम को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये जो यदि हम एक कार्बन एटम को ट्रंकेट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग जो हो जाएगी 6 कार्बन एटम्स की चेन रह जाएगी। अब वो 6 कार्बन एटम्स की मैंने चेन ऐसे ड्रॉ कर दी और ट्रंकेटेड कार्बन एटम जो था, जो लास्ट एक ट्रंकेटेड कार्बन एटम था वो मैंने सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया। तो इसका जो सेकेंड आइसोमर आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा 2-methylhexane। अब हम इसको, इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताया था कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, तो अब हम पेरेंट चेन सेम है, यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, ये भी 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, और हमने इसमें मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया, तो मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दिया इसीलिए ये हो जाएगा 3-methylhexane हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में आइसोमर हो गए। अब हमने इस कार्बन एटम जो ऊपर ये 2-methylhexane थी, इसमें ये जो साइड वाला कार्बन एटम है इसको ट्रंकेट करके
यहां पे लगा दिया, और जो मैंने ग्रीन से कार्बन एटम लगाया है वो सेकेंड ट्रंकेटेड कार्बन एटम हो गया। तो रिमेनिंग जो चेन अब रह जाएगी हमारे पास, पांच कार्बन एटम्स की चेन रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पांच कार्बन एटम्स रह गए। अब ये पांच कार्बन एटम्स की हमारे पास चेन आ गई जिसमें दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसीलिए हो जाएगा 2-2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये जो हो जाएगा ट्रंकेटेड कार्बन एटम के साथ एक और आइसोमर हम क्रिएट कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो मिथाइल ग्रुप्स दो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, अब ये जो मिथाइल ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं ये इनको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, और एक एक करके शिफ्ट कर रहा हूँ, एक को वहीं पे रख रहा हूँ मिथाइल ग्रुप, इसको सेम पोजिशन पे रख रहा हूँ जबकि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो अब ये हो जाएगा 2-3 डाइमिथाइल पेंटेन आ जाएगा। वैसे ही इसको इस कार्बन एटम को नेक्स्ट जगह नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर दे, इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा 2-4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से ये जो है पेंटेन 2-2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2-3 डाइमिथाइल पेंटेन एंड 2-4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये जो हो जाएंगे पेरेंट चेन सेम होते हुए तीन आइसोमर्स हो जाएंगे। अब हम पेरेंट चेन में क्या कर रहे हैं कि जो ये सेकेंड था 3 मिथाइल पेंटेन था, इसमें यहां से कार्बन एटम ट्रंकेट करके इस पोजीशन पे लगा दिया, तो क्योंकि यदि हम इस पे लगाएंगे तो 2-3 डाइमिथाइल हमारे पास पहले से ही है, तो जब मैंने ये इस पोजीशन पे लगा दिया तो अब हमारे पास एक न्यू आइसोमर क्रिएट होगा जिस विच इज 3-3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये 3-3 डाइमिथाइल पेंटेन क्रिएट हो गया। अब इसमें यदि मैं साइड वाला टर्मिनल कार्बन एटम चाहे ये ट्रंकेट कर दूं या ये वाला टर्मिनल कार्बन एटम ट्रंकेट कर दूं और उसको यहां सेंटर पे लगा दूं, तो ये जो ब्लू से मैंने है ये एक न्यू ट्रंकेटेड कार्बन एटम हो गया, और ये चार कार्बन एटम की अब चेन डिड्यूस हो गई, और इस चार कार्बन एटम की चेन पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। सो दिस इज 2-2-3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये मैंने आपको डिड्यूस करना इसलिए बताया है क्योंकि आप पुराने यदि क्वेश्चंस देखेंगे नीट के या जेई के, तो उसमें स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ऐसे होगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C7H16। अब उसमें ऑप्शंस होंगे से 6, 7, 8, 9 या 5, 6, 7, 8, इस तरह से कुछ भी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो 8 आइसोमर्स होंगे, इसके C7H16 के साथ 8 आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहला है कि DBE कैलकुलेट करना पोजीशन आइसोमर्स के लिए बहुत जरूरी है, या किसी भी आइसोमेरिज्म को हम कर रहे हैं तो उसके लिए DBE कैलकुलेट करना जो, क्योंकि उससे हमें स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया आ जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, और उसके बाद DBE की जो वैल्यूज है कि 0 से क्या इंटरप्रिटेशन आएगी, 1 से क्या इंटरप्रिटेशन होगी, 2 से क्या इंटरप्रिटेशन होगी, वो आपको रिकॉल करना या मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है कि जब हम पोजिशन आइसोमर्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे को पोजिशन जो है वो डबल बॉन्ड की शिफ्ट हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्ट हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। जब क्वेश्चन ऐसे है कि हमने पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स बताने हैं तो उसमें IUPAC नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जो दो कंपाउंड्स हैं उनकी IUPAC नेमिंग यदि सेम आ रही है तो वो आइसोमर्स नहीं है, पर दो डिफरेंट कंपाउंड जिनकी IUPAC नेमिंग डिफरेंट आ रही है वो आपस में आइसोमर्स होंगे, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे, यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस पे ऑल नोटिफिकेशंस टिक करना है। आप यदि ऐसे किसी बच्चे को जानते हो कि जो केमिस्ट्री में फोबिया रखता है या उसको ट्यूशंस नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके साथ मेरा ये एपिसोड शेयर करें या चैनल को शेयर करें। इस पोजीशन आइसोमेरिज्म के एपिसोड को देख करके आपने कुछ नया केमिस्ट्री में सीखा ना आज, तो मेरे इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैंने वहां कुछ मेरी रिकमेंडेड बुक्स के लिंक शेयर किए हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।